हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 रिमझिम, उसमें चैप्टर नंबर 7 टिप टिप वा। एक कहानी है उत्तर प्रदेश की लोक कथाओं में से, तो चलिए देखते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था, यानी कि एक बुढ़िया थी उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। वो सोते पहले क्या करता था, कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी, यानी कि दादी माँ उन्हें डेली नई नई कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुना है? ये टिप टिप हुआ से जान बचे तब ना। तो अभी एक दिन क्या हुआ, ज़्यादा बारिश हुई। तो बारिश हुई तो क्या हुआ कि सब बारिश से परेशान हो गए, और पानी है वो सब जगह आने लगा, पूरा गांव है वो परेशान होने लगा। तो लेकिन वो छोटा बच्चा था, उसे तो क्या था, कहानी सुननी थी। जो बुढ़िया का जो झोपड़ा था उसमें से भी पानी गिर रहा था, तो वो तो कह रहा था कि हमें पानी जो कहानी सुननी है। तो बूढ़ी जो औरत थी उन्होंने कहा कि बेटा कहानी कैसे सुने, इस टिप टिप हुआ से जान बचे तब ना, यानी कि बारिश कम हुआ तब ना। पोता उठकर बैठ गया, उसने पूछा, दादी ये टिप टिप हुआ कौन है? तो भी पोते ने दादी से कहा कि दादी ये टिप टिप हुआ कौन है? टिप टिप हुआ क्या, शेर बाघ से भी बड़ा होता है, यानी टिप टिप हुआ है वो शेर बाघ दुंडो सबसे बड़ा होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरह देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बागवा के डर तो डर टिप टिप हुआ के डर, यानी कि हाँ ये आप बात सच बोल रहे हैं, शेर के भी डर नहीं लगता, बाघ का भी डर नहीं लगता, लेकिन टिप टिप हुआ के डर लगता है सबको। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अभी क्या हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा थी, तो एक बाघ था वो झोपड़ी के पास बैठ गया, लेकिन बुढ़िया की बात सुनी कि टिप टिप हुआ बहुत खतरनाक होता है, तो वो भी डरने लगा। अब वहाँ टिप टिप हुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप हुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ ने ऐसा सोचा कि टिप टिप हुआ कौन होगा, टिप टिप हुआ शेर और बाघ यानी हमसे भी कोई बड़ा जानवर होगा, इसलिए यहाँ से मैं भाग जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबा पर भाग चला। और देखो बाघ है, उन्होंने क्या किया, उन्हें सोचा कि कुछ बहुत बड़ा होगा जानवर, तो वहाँ से वो भाग गया। उसी गाँव में एक धोबी रहता था। अभी क्या है, उसी गाँव में एक धोबी रहता था। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गद्दा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गद्दे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो उस गांव में एक धोबी रहता था, वो भी ये पानी से परेशान था, और उसका गद्दा है कहीं पे गुम हो गया था, वो भी मिल नहीं पा रहा था, तो वो भी परेशान था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो उसकी पत्नी है वो थोड़ी अंधश्रद्धा में गई और उन्होंने कहा कि आप पंडित जी के पास जाइए और उससे पूछिए, उन्हें सब कुछ पता है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच फेंक रहे थे। तो वो अपने घर पंडित जी के घर पर गया और पंडित जी वहाँ भी क्या कर रहे थे कि उसके घर में जो पानी आ रहा था वो बाहर उलीच रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गद्दा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है? तो कुंभार ने धोबी ने ऐसा कहा कि मेरा गद्दा गुम हो गया है, आप मेरा गद्दा है ढूंढ दीजिए। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पुत्री में तेरे गद्दे का पता ठिकाना लिखा है क्या?
जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। तो पंडित जी भी क्या हो गए, गुस्से हो गए, क्योंकि सुबह से वो पानी उलेच उलेच कर वो थक गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके गड्ढे का ठिकाना थोड़ी मेरी पोथी में होगा, आप उसे कहीं गड्ढे और पोखर में ढूंढिए। और पंडित जी फिर पानी उलेचने लगे, तो भी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, तो भी घास में गड्ढे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गड्ढा है। उसने आव देखा न था और बाघ पर मोटा लट बरसाने बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अभी क्या हुआ कि पंडित जी ने उसे कहा कि तुम लौट जाओ, फिर से वो पानी उलेचने लगे। तो धोबी कहाँ गया, तो धोबी है वो एक तालाब के पास पहुंचा गड्ढे को ढूंढने के लिए। और वहाँ क्या था, अभी बारिश हो रही, तो ऊंची ऊंची घास हो गई थी। तो देख हमें पता है कि वो बाघ था ना फ्रेंड्स, वो टिप टिप हुआ के डर से क्या हो रहा था, वो घास में छुपा हुआ था। तो धोबी को लगा कि वो उसका गड्ढा है, तो वो उस पर लाठी बरसाने लगा और बाघ है वो घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा लगता है टिप टिप हुआ है, और बाघ ने सोचा कि ये क्या होगा, टिप टिप हुआ है होगा, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचाने है तो यहाँ जो कहे चुपचाप करते जाओ। अभी बाघ को बाघ डर गया, उसे ऐसा लगा कि टिप टिप हुआ आ गया है, इसलिए अभी उसने सोचा कि जैसा वो कहता है वैसा मैं करूँगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। तो अभी क्या हुआ कि धोबी भी बहुत गुस्से में था, वो भी सारा दिन घूम घूम के थक गया था, तो उसे ऐसा लगा कि ये गद्दा है, लेकिन वो गद्दा नहीं था, बाघ था। तो उसने कान पकड़ा और घर की तरफ ले चला। बाघ बिना चूं चपेड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अभी क्या हुआ कि धोबी घर पे पहुंच गया और उसने बाघ को खूंटे से बांध दिया कि वो भाग न जाए। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा, तो उनके आंखें खुली की खुली रह गई। यानी कि दूसरे जो गांव वाले थे, अभी वो गद्दे की जगह रात को बाघ लेकर आ गया, अभी वो बाघ को बांध के देखा, आजू बाजू के जो रहने वाले थे गांव वाले, उनकी आंखें सब खुल गई, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए। सो फ्रेंड्स, ये कहानी यहाँ पे थोड़ी अधूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं था कि ये रात में क्या उठा के ले आया, बाघ भी टिप टिप हुआ के डर से वहाँ आ गया था। अभी आगे देखते हैं कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था इस कहानी में। सब परेशान थे, पहले तो थी वो बूढ़ी अम्मा दादी माँ, वो थी बारिश से परेशान थी, शेर था वो टिप टिप हुआ पे परेशान था, धोबी था वो गद्दे से परेशान था, और जो पंडित थे वो पानी से परेशान थे। मतलब बताओ, नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिप हुआ कौन सी बला है, ये अपने शब्दों हमारे शब्दों में लिखने हैं कि टिप टिप हुआ क्या बला है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई, यहाँ पे टिप टिप हुआ कौन सी बला है, तो मुसीबत है आप लिख सकते हैं। उसके बाद बाघ बिना चूं चपेड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया, बाघ बिना कुछ बोले ही पीछे पीछे चला गया। जरा पोथी बांच कर बताइए वह क्या है, जरा पुस्तक पढ़कर बताइए वह क्या है। चलिए याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो। आपको कहना है आपकी दादी माँ के पास हो गोद में, तो आप क्या करते हो, आपको यहाँ पे लिखना है कौन है टिप टिप हुआ। हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बागवा के डर तो डर, टिप टिप हुआ के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, तो गुजराती में आपको इसका ट्रांसलेट करना है के वागनो वागनी बीक नती सीनी बीक नती मात्र टिप टिप वानी बीक छे। कहानी में टिप टिप हुआ कौन था, तुम किस किस को टिप टिप हुआ कहोगे। कहानी में टिप टिप हुआ बारिश था, और बारिश को ही हम कहेंगे बारिश।
यह कहानी एक दिन की है जब मूसलधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलधार बारिश की जगह बजाय बूंदा बूंदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदा बूंदी होती तो बूंदा बूंदी होती तो क्या होता कि शेर वहां पर बैठने नहीं आता और दादी माँ उस बच्चे को क्या करते कहानी सुनाती। जो पंडित जी थे पूरे पानी उडेलना नहीं पड़ता, जो गोभी का गद्दा है वो भी मिल जाता। तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो कि ये आवाज ही कब सुनाई देते। खर 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 यानी खराटे लग लेते उसकी, भिन भिन मक्खी की टक 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 टक, किसी की जो हमारे डोर होता है उसकी, चर 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 यानी कि कोई कोई गाय या भैंस ऐसी, बक बक कुत्ता, तड़ 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 यानी कि कोई पानी की आवाज होगी। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या बात, क्या क्या बांधा जाता है? तो खूंटे से आप क्या क्या बांध सकते हैं? तो गाय है भैंस है बैल है, घोड़ा है, कुत्ता है, इन सबको हम बांध सकते हैं। एक से ज्यादा, एक कहानी सभी कहानी, एक तितली कई तितलियां, यहाँ पे आप कोई नाम लिख सकते हैं। एक एक पतंगा 10 पतंगे, एक चूड़ी ढेरों चूड़ियां, एक खिड़की 4 खिड़की। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 टिप टिप हुआ, हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।